सब्सक्राइब कीजिए चेतन टेक्निकल चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चेतन टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जियो फाई की। ये जियो फाई को हम ओपन कर लेते हैं। ये बॉक्स मैंने परचेस किया है अमेज़ॉन से, वो भी 1000 रुपये में। जो स्कीम चल रही है, जो 30 तारीख तक ये स्कीम आपको मिलेगी। तो ये पैकेट निकालने पर इस तरह से आपको बॉक्स मिलता है। ओके, इसके प्राइस है 2329 रुपीज़, लेकिन ये मिल जाता है अमेज़ॉन पे 1000 रुपये में, वो भी अभी स्कीम चल रही है 30 तारीख तक। तो इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलता है, क्रिएट योर ऑन हॉटस्पॉट, कनेक्ट 31 डिवाइसेस, इसकी इसमें बैटरी लगती है वो भी 2300 mAh की, और ये माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करता है 32 GB तक। इससे आप एसडी वॉइस कॉलिंग, वॉइस कॉल किसी भी स्मार्टफोन पे आप यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस शेयरिंग थ्रॉट एसडी कार्ड, ओके। भाई मेरे पास तो कटर नहीं है इसको खोलने के लिए, तो आपके हाथ से मेरे को खोलना पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये डिवाइस मिल जाता है जियो फाई, ये शायद सेकंड वर्जन है उनका। तो इसको साइड में रखते हैं और अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। कुछ बुकलेट है, सब इंफॉर्मेशन दी गई इसके बारे में कि कैसे चलाना है, क्या करना है। वारंटी भी आपको मिल जाती है 1 ईयर की, और यह जियो फोर वाई से वो कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद आपको मिलता है एक चार्जर, क्योंकि ये डिवाइस बैटरी पे चलता है तो चार्जर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने वॉट कितने एम्पियर का हम देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपको हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, फोकस हो रहा है। ये आउटपुट है 5 वोल्ट यानी 1 एम्पियर, तो ठीक ठाक है इतने इसके। और ये इसकी बैटरी जो आपको इस डिवाइस में डालनी है, ओके। उसके बाद आपको मिलती है डाटा केबल, तो इसको चार्ज करने में आपको काम आ जाएगी। तो चलो इसमें हम बैटरी डालेंगे। तो आप यहाँ अंदर देख सकते हैं, यहाँ आपको एक सिम कार्ड, यहाँ आपका सिम कार्ड आएगा जो होगा, इसमें एक ही सिम कार्ड डाल सकते हैं। और ये अपना ये एसडी कार्ड के लिए माइक्रो एसडी कार्ड 32 GB तक डाल सकते हैं। तो सिम कार्ड में डाल देता हूँ। अरे ये तो नैनो सिम बैठ जाता है इसमें, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो नैनो सिम बैठ जाता है, ये तो माइक्रो। ओके, एसडी कार्ड तो मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। इसको निकाल लेते हैं, तो इसको हम ऑन करेंगे। ग्रीन लाइट आ गई है रेंज में, आप देख सकते हैं। चालू हो गए। अब इसका सेटअप कैसे करना है वो हम देखेंगे अभी बाद। से पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सेटअप करते हैं। तो पहले हम इसको माइक्रो यूएसबी लगाएंगे वाईफाई की जगह, तो यहाँ हमने लगा लिया है। अब देखते हैं, तो कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट हो गया है यहाँ। तो हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ आपको एड्रेस टाइप करना है geofi.local.html और उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ उनके सर्वर पर कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ हमें इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड दिया होता है, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ ऑप्शन आता है लॉगिन का, लॉगिन करने के बाद ये मांगेगा
यूज़र नेम और पासवर्ड, तो इसका डिफ़ॉल्ट हम डाल देंगे यूज़र नेम। हाँ, तो हमने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ वाईफाई सेटिंग है, तो यहाँ आपको एक सिक्योरिटी की दिया होता है, वो यहाँ हम चेंज करेंगे। जो अपना वाईफाई के लिए पासवर्ड रखते हैं, हम यहाँ वाईफाई के लिए पासवर्ड रखेंगे तो कनेक्ट करने की आसानी हो जाएगी। या वायरलेस सिक्योरिटी यहाँ हम 2 करेंगे, WPA2PSK, और यह हमने पासवर्ड डाल दिया है कनेक्ट करने के लिए। यहाँ आप जियो वाईफाई 2 यूज़र नेम ये चेंज कर सकते हैं, और यहाँ अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं, या मेरा नाम डाल देता हूँ। सेटिंग तो बहुत इजी है, बाकी कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, बाकी उसको अप्लाई करना है। चलो अप्लाई तो हो गया। अभी इसका जो हम लॉगिन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जो बहुत बड़ा नाम है यूज़र नेम, उसको कम करेंगे हम, उसको कोई भी नाम डाल दे सकते हैं। यहाँ मैं यस जार नाम डाल देता हूँ, और पासवर्ड भी उसी नाम से रख। ओके, सक्सेसफुल हो गई। चलो, हमने यूज़र नेम सेट कर दिया है, पासवर्ड सेट कर दिया, वाईफाई का पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया, डैशबोर्ड का पासवर्ड हमने सेट किया और वाईफाई का किया। आप फिर से हम लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से आके, न्यू पासवर्ड से यहाँ डालना है हमारे, यहाँ यस जार आएगा, और यहाँ पासवर्ड डालना है हमें जो हमने रखा था, और इसे सेव करना है। ओके, सेव हो गया, तो बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। बस अभी इतनी सेटिंग हो गई इसकी। अब हम इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो वाईफाई का पासवर्ड रखा है वो डालेंगे बस, और कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी एक डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं ये हटा देता हूँ, ये सब ये भी हटा देता हूँ। अब हम लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, अभी हमने USB से किया था, ये सब निकाल देता हूँ मैं। अब यहाँ चलते हैं नेटवर्क सेटिंग में। अब यहाँ आपको दिखाई देगा मेरा नाम जो हमने रखा था पहले, चेतन, और यहाँ हमें पूछेंगे पासवर्ड, कनेक्ट करेंगे पहले पासवर्ड, तो हमने जो रखा था वो डालेंगे, डाल दिया, आप कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट करके। ओके, कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप कनेक्ट हो गया पूरी तरह से। आप वहीं से कोई भी वेबसाइट ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं मोजिला ओपन करता हूँ, तो ये वर्क हो गया। तो इसकी सेटिंग बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको कैसे सेट करना है। पहले आप माइक्रो USB यूज करके उसका सेटअप कीजिए, पासवर्ड भी सब चेंज कर डालिए, जो आपको आसान पासवर्ड या यूजर नेम लगता है वो रखिए बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप इसे 31 डिवाइस ज्वाइन कर सकते हैं, पासवर्ड किसी को मत शेयर करना, अपने घर के मेंबर है उनको ही शेयर करना। ओके, तो ये वीडियो के लिए इतना ही, हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।